अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन, मिलाजमा, झाइया, डार्क स्पॉट, डिस्कलरेशन जैसी चीज नजर आ रही है तो प्लीज सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी स्किन एक्सटर्नली ही नहीं इंटरनली भी डैमेज हो चुकी है। क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो एपिडर्म लेयर में होती है, यानी कि अपर स्किन में होती है, जो कि अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर अपना स्किन का ख्याल रखें तो वो टाइम के साथ रिकवर हो जाती है। लेकिन जब बात आती है इंटरनली लेयर की, यानी कि अंदर की सतह की, तो वहां पर रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और कभी कभी ये आपके लिए लाइफ टाइम का साथ बन जाती है, जिनका जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। और आप इंटरनली लेयर के साथ कोई रिस्क भी नहीं ले सकते, यानी कि कोई भी ऐसा वैसा आप प्रोडक्ट भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इंटरनली लेयर को डैमेज करने का मतलब है कि आपके इंटरनली ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। सो इसीलिए अगर आपके फेस पे हल्की फुल्की झाइयां भी नजर आ रही हैं, किसी तरीके के दाग धब्बे नजर आ रहे हैं, तो प्लीज अलर्ट हो जाइए। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप अपने फेस से कैसे मिलाजमा, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, झाइयां या डिस्कलरेशन की जो प्रॉब्लम है उसे 7 डेज के अंदर कैसे अपने फेस से हटा सकते हैं, वो भी जड़ से। सो आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ही आप इम्पॉर्टेंट चीजों को मिस करते जाएंगे, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम हर किसी को हो सकती है, कभी भी हो सकती है। सो इसके लिए मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप देखेंगे, अगर सर्च करेंगे मेरे चैनल पे, तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखना। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके से देखने को मिलती है। जो इसका मोस्ट कॉमन पॉइंट होता है वो है मिलाजमा। मिलाजमा एक ऐसा रीजन है जब आपकी एपिडर्म लेयर डैमेज ना हो कि जो इंटरनल लेयर होती है, यानी कि अंदर वाली जो सतह होती है, वहां पे डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहां पे आपको काली काली झाइयां दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं और वो दूर से देखने पर भी आपके फेस पे काफी डार्क नजर आती हैं। इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आप मेडिसिंस ले रहे हैं तो मेडिसिंस का भी असर बहुत जल्दी फेस पे पड़ता है हमारे। और दूसरी चीज एज के अकॉर्डिंग भी होता है। अगर आपकी एज चेंज हो रही है तो वहां पे भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसका रीजन है कि आप में एक हमारे जो बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है मिलानिन, तो मिलानिन डार्क होने लगता है, जिसकी वजह से वो डिस्कलरेशन हो जाता है और आपके फेस पे झाइयां नजर आने लगती हैं। और कभी कभी ये प्रॉब्लम इन्वायरमेंटली चेंज या फिर प्लेस चेंज के कारण भी हो जाती है। सेकेंड रीजन की मैं बात करूं तो ये भी बहुत कॉमन है कि अगर आप कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करें या फिर कोई भी ऐसी क्रीम यूज करें तो वहां पे वो कभी कभी हमारे स्किन के ऊपर रिएक्शन कर जाता है, जिससे हमारी अपर लेयर तो निकल जाती है और जो अंदर की लेयर होती है वो वहां पे डैमेज हो जाती है, यानी कि बर्न हो जाती है, जो कि बाद में जाके वहां पे डार्क स्पॉट आपको नजर आने लगता है। सो ये भी रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन हो सकता है सनबर्न। जब हम डायरेक्टली सन के टच में चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम विदाउट सनस्क्रीन यूज करें या फिर कोई भी प्रिक्यूशन अपने फेस पे अप्लाई किए बिना सन के टच में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो सन की जो यूवी रेज होती हैं वो हमारी स्किन को डायरेक्टली डैमेज करती हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी जो स्किन है वो बर्न हो जाती है और वो बाद में डार्क नजर आने लगती है। नेक्स्ट रीजन मोस्टली कॉमन है, जैसे आपके फेस पे कोई भी पिंपल या एक्ने निकल रहा है तो जब हम उसे पॉप कर देते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा जब उसकी गांठ वगैरह निकलती है, ब्लड उसमें से निकलता है, तो बाद में वो बहुत डार्क आपके फेस पे मार्क छोड़ के चला जाता है। तो ये रीजन भी है आपके फेस पे डिस्कलरेशन का या ब्लैक स्पॉट का। और जिनको पिंपल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है वो तो बहुत ही हैवली इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उनका जो पूरा फेस है वो पूरा ही ब्लैक ब्लैक नजर आने लगता है। सो दीज आर द कॉमन रीजन कि कैसे आपके फेस पे पिगमेंटेशन नजर आती है, यानी कि आपके फेस पे दाग धब्बे, झाइयां, कालापन नजर आने लगता है। सो चलिए अब रेमेडी स्टार्ट करते हैं। ये रेमेडी आपकी इन सभी प्रॉब्लम के लिए है। इस रेमेडी का मेजर बेनिफिट ये है कि आप इसे एक दिन बना के ही स्टोर करके रखेंगे। आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए और आप इसे 7 डेज के लिए यूज करेंगे। ये एक 7 डेज चैलेंज है कि कैसे आप 7 डेज के अंदर आप अपने इन प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके रिड्यूस कर सकते हैं। अगर 7 डेज के अंदर आपको इसका बेनिफिट नजर आ रहा है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन द रेमेडी। तो रेमेडी के लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट। फर्स्ट मोस्ट इफेक्टिव इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं वो है अनियन। सो अनियन आपको यहाँ पे 3 से 4 अनियन लेना है, बिग साइज के। अनियन बिग सोर्स होता है विटामिन सी का और विटामिन सी बहुत ही कारगर है पिगमेंटेशन और दाग धब्बों को कम करने में। मैं ऑलवेज आपको एडवाइस देती
रहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी का फेस पे प्रयोग करें ताकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का एक साथ सॉल्यूशन हो जाएगा। सो यहाँ पे हम 3 से 4 अनियन को पील कर लेंगे अच्छे से। पील करने के बाद आप छोटे छोटे उन्हें चॉप कर लीजिए टुकड़ों में, आप बिग साइज के भी जैसे साइज आप चाहें वैसे चॉप कर सकते हैं। अब आप इन्हें चाहें तो कद्दूकस कर लीजिए या फिर मिक्सर में डाल के इन्हें ग्राइंड कर लीजिए, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा इजी रहेगा अगर आप मिक्सर में इन्हें एक साथ पीस लेंगे। और उसके बाद आप इन्हें किसी भी सीव के थ्रू या फिर कोई भी क्लॉथ यूज कर सकते हो। आपको इसे छान के इसका जो जूस होता है यानी कि अनियन जो रस होता है आपको उसे सेपरेट कर लेना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में मुझे पे जूस मिल गया है। तो इस तरीके से पहले आप जूस रेडी कर लोगे। सेकेंड इफेक्टिव इंग्रेडिएंट हम जो यूज करने वाले हैं वो है लेमन। तो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो कि आपके फेस से बहुत अच्छे तरीके से जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, पिंपल के जो मार्क्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है। लेमन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हर एक प्रॉब्लम में फेस की यूज किया जाता है, स्किन प्रॉब्लम में। स्किन को ब्राइट करता है, जो भी हमारे फेस पे बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर, जैसा कि हम इसे 7 डेज के लिए यूज करें तो हमें यहाँ पे फुल लेमन का यूज करना है। आप इसे पूरा का पूरा ही एज ए जूस के रूप में इसमें मिक्स कर दीजिए। और अब बारी है यहाँ पे थर्ड इंग्रेडिएंट की। तो जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रही हूँ वो है जड़ी बूटी यानी कि ग्रीन टी। तो ग्रीन टी एज अ जड़ी बूटी ही है, आपको इसे बॉईल कर लेना है। आप थोड़ा सा वाटर ले लीजिए 1/2 कप और इसे उसमें बॉईल कर लीजिए। 5 मिनट बॉईल करने के बाद इसे ठंडा करके इसे छान लीजिए। ग्रीन टी में कैटेचिन होता है जो कि आपके फेस पे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, काले धब्बों के लिए एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, आपके सेल्स को एक्टिव करता है, जो स्किन में पोर्स होते हैं ना उनको टाइट करता है। और अगर आपकी पिगमेंटेशन का रीजन एज है, एज की चेंजिंग की वजह से आपके फेस पे झाइयां, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन नजर आ रहा है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप ग्रीन टी का सेवन भी करिए, ग्रीन टी ड्रिंक भी करिए, उसके साथ साथ अपने फेस पे एज अ मास्क या फिर इस तरीके से यूज कीजिए जिस तरीके से मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप ग्रीन टी को भी इसी में मिक्स कर दोगे और अब ये यहाँ पे एक सीरम बन चुका है। अब आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में फिल कर लोगे। और अब बात करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो यूज करने में भी इसे बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। आप जब भी इसे यूज कर रहे हैं, जितनी बार भी यूज करें, यूज करने से पहले इसे अच्छे से शेक कर लिए ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट हैं इक्वली मिक्स हो जाए। और देन आप अपने फेस पे, जहां पे पूरे फेस पे स्प्रे नहीं करना है, जहां जहां पे पिगमेंटेशन है आपकी, लाइक ज्यादातर चीक पे होती है, नोज पे होती है, चिन पे और आपके हेड पे भी देखने को मिलती है, तो जिस एरिया पे भी आपके पिगमेंटेशन है वहां पे आपको स्प्रे करना है और अपनी फिंगर्स के थ्रू इसे स्प्रेड करना है जेंटली, यानी कि पूरे ही एरिया को कवर करना है हाथ के थ्रू। और देन आप इसे 20 या 25 मिनट के लिए लीव कर दोगे। अब बात आती है कि आपकी, आप सोचेंगे कि मैंने इसमें अनियन जूस यूज किया है जो कि आपकी आईज में जलन होगी, इरिटेशन करता है, बट हमने यहाँ पे यूज किया है लेमन। तो लेमन इस प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है जिसकी वजह से आपकी आईज में इरिटेशन नहीं होती, जलन नहीं होती, और जिसका बिल्कुल भी असर आपकी आईज पे नहीं होगा। साथ में लेमन जो अनियन की स्मेल होती है उसको भी रिड्यूस करेगा। तो आप जब इसे अप्लाई करोगे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। जब हम अनियन को चॉप करते हैं ना तो इसमें जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो एयर में मिलके सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो काफी हमारी जो आईज की सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, उनमें इरिटेशन पैदा करता है। इसकी वजह से हमारी आंखों में जलन भी होती है और हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो लेमन इस प्रोसेस को कम करता है जिससे ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। सो इसे अप्लाई करने के बाद 20 मिनट बाद जब आप अपने फेस को वॉश करोगे आपके फेस पे गजब की चमक देखने को मिलेगी। फेस काफी ग्लोइंग करेगा, ब्राइटन नजर आएगा पहले से। ब्राइटन से मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी स्किन को लाइट कर लें, आपकी जो स्किन है ना आप उससे बेटर करिए। जितना आपकी स्किन के अंदर एबिलिटी है ग्लोइंग दिखने की उतना उसे परफेक्ट बना के रखिए। डैमेज स्किन डल नजर आने लगती है, तो ये आपकी स्किन में काफी ग्लो लाएगा, स्किन ब्राइट दिखने लगेगी, स्किन में चमक भी। और ये पहला स्टेप जो 7 डेज का चैलेंज है, 7 डेज इसे आप कंटिन्यूसली दिन में 2 बार यूज करोगे एज अ फेस वॉश। जब भी आप फेस वॉश करें अपने फेस वॉश से आधे घंटे पहले आप इसे अप्लाई करें, 25 मिनट तक के लिए लीव करें।
और 25 मिनट बाद आप अपने फेस को वॉश कर लें। डेफिनेटली बोलती हूँ कि ये आपको 100% असर दिखाएगा, बिकॉज विटामिन सी सीरम इज द बेस्ट सीरम फॉर रिड्यूस पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, ब्लैक पैचेस, पिंपल मार्क, एक्ने मार्क्स। तो यहाँ पे विटामिन सी भरपूर है आपके इस सीरम में। अगर आप इसे रेगुलर बेस पे यूज करें, तरीके से यूज करें, तो ये 7 डेज में ही आपको असर दिखाना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपको 7 डेज में ही इसका रिजल्ट मिल रहा है तो प्लीज इसे कंटिन्यू करें जब तक आपकी सारी पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म नहीं हो जाती है। और मैं श्योरली बोल रही हूँ कि आपको इसका रिजल्ट इसका अमेजिंग है। सो आप इस तरीके से इजिली यूज करके आप अपनी पिगमेंटेशन को, ब्लैक स्पॉट, ब्लैक मार्क्स जो कि नॉर्मली सबको हो जाते हैं, इन सबको रिड्यूस कर सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। सो ये था अपना फुल प्रोसेस, फुल रेमेडी कि कैसे मैंने अपने जो भी मेरे पिंपल की प्रॉब्लम थी, जो भी मेरे फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी स्कार्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैसे मैंने अपने फेस से इन सभी प्रॉब्लम को रिड्यूस किया है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज गिव योर थम, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, आपका टॉपिक क्या है, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। शेयर करना वीडियो को ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।